मध्याह्न बच्चों, आप सभी का हिंदी की कक्षा में एक बार पुनः स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षा में क्रिया और उसके प्रकार के बारे में डेफिनेशन दी थी, है ना, आज हम क्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्रिया के मैंने आपको परिभाषा समझाई थी कि क्रिया जो शब्द किसी कार्य के करने या होने के बारे में बताता है, या जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है, उसे क्रिया कहते हैं। ठीक, क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में होती है, क्रिया के बिना वाक्य अधूरा होता है। ठीक, ये हमने सीखा था। अब हम सीख रहे हैं क्रिया के प्रकार। आप सभी को ब्लैक बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा है क्या? कोई एक मुझे मैसेज कीजिए। क्रिया के प्रकार बेटा, एक कोई एक मुझे मैसेज करो। यस मैम, वेरी गुड, चलो। हाँ, तो देखिए क्रिया को हमने दो भागों में बांटा। ठीक, एक सकर्मक क्रिया और दूसरी अकर्मक क्रिया। क्रिया समझ में आया? क्रिया के दो प्रकार होते हैं। आपको ये होमवर्क है कि आप घर में सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया इनको आपको 10-10 बार लिखना है। आप पूछो क्यों? क्यों? इसलिए कि जब आप परीक्षा में आता है कि नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया के भेद पहचान कर लिखिए, तो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जिनको सकर्मक क्रिया लिखना नहीं आता। उसमें से कुछ बच्चे कैसे लिखते हैं? सकर्मक ये लिखते हैं, ये भी गलत है। कुछ बच्चे कैसे लिखेंगे? सकर्मक, ये भी गलत। सही क्या है आपका? केवल ये। क्यों? आपको बोला है सकर्मक क्रिया जहाँ र का उच्चारण जो है आप बहुत कम करते हैं और र चूंकि आधा है इसलिए उसका उच्चारण आपको बोलिए सकर्मक। र जो है यहाँ जैसे पूरा लिखा ये गलत है, इसके नीचे र का रेख है, आधा है। तो जब आधा र हो तो हमेशा आधा र क्या होता है? अपने पीछे वाले व्यंजन के शिरो रेखा के ऊपर चला जाता है, है ना। शिरो रेखा मतलब ये ऊपर की जो लाइन होती है ये शिरो रेखा कहलाती है। तो ये आधा रहो ऐसे ना लिखे, और अगर आपको ऐसे लिखना है परीक्षा में तो आपको र के नीचे बलंत लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिए कि र का रेख हमेशा म के शिरो रेखा के ऊपर है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? इसलिए आप जब परीक्षा में सकर्मक या अकर्मक लिखते हैं तो हमेशा ध्यान रखो र का रेख म के ऊपर भी है। ठीक है, तो ये चीज को हमको ध्यान में रखना है। इसलिए आप घर में जो है इनको लिखने का अभ्यास करेंगे। ठीक, अब हम इसमें आ गए आपका कि यहाँ पे इसका सूत्र है, इसको लिखते हैं बेटा। सभी अपने अपने नोटबुक को निकालिए, है ना, और पेंसिल लेके बैठिए। इसका सूत्र है कर्ता धन कर्म धन क्रिया, ये इसका सूत्र, ये पहली परिभाषा हो गई। ठीक, दूसरा है इसका सूत्र क्या होगा? ऑनली कर्ता धन क्रिया, ये उसका सूत्र है। तो मैं आपको सकर्मक का सूत्र है कर्ता धन कर्म धन क्रिया, और अकर्मक का सूत्र है कर्ता धन क्रिया। दो ही चीज होती है, इसलिए दूसरा इसका होगा कर्म के साथ। सकर्मक का क्या होता है? लिखो सकर्मक का अर्थ है कर्म के साथ। ठीक,
ये हो गया दूसरी परिभाषा। इसकी परिभाषा हो जाएगी अकर्मक का अर्थ है, आपको इसलिए समझा रहे हैं ऐसा क्योंकि ये चीज आपने पिछले साल नहीं पढ़ी है, पिछली कक्षा में नहीं पढ़ाया आपने, और यही चीज आपको अगली कक्षा में भी पढ़ना है पांचवी में। तो कर्म के साथ अकर्मक का अर्थ है कर्म के बिना, ठीक, ये कर्म के साथ और वो है कर्म के बिना। मेरे ख्याल में किसी भी बच्चे को ये चीज अब नहीं भूलना चाहिए, इसलिए मैंने आपको सबसे सरल तरीके से सिखाने के लिए जो है ये दिया, ठीक है। तो ये परिभाषा आप लिखिए सकर्मक और अकर्मक की, जिस क्रिया के साथ जिस कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो आपकी परिभाषा क्या हो जाएगी, यहाँ पे आप परिभाषा लिखेंगे इस दोनों के नीचे, इस यहाँ लिखिए बेटा जिस क्रिया के साथ कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। ये हो गई उसकी परिभाषा। अब इसकी परिभाषा क्या होगी, है ना, दो मिनट हमें लिख दे दीजिए। जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। समझ में आया क्या आपको ये परिभाषा, सबको समझ में आ गई, लिखिए इसको आप, मैंने लिखने के लिए दिया है ना आपको, दो मिनट का समय दे रहे हैं, जल्दी से लिखिए ताकि इसके आगे आपको हम समझाएंगे। अब हमने परिभाषा भी समझ ली, उसका सूत्र भी समझ लिया कि दोनों में क्या क्या होता है, अब जो है हम उदाहरण के द्वारा जानेंगे कि हम क्रिया की पहचान क्या कैसे करेंगे, और सकर्मक क्रिया में वाक्य को देख के हम सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप लिखिए बेटा जल्दी से, चलिए स्टार्ट करो जल्दी को। वेरी गुड, आपने लिख लिया, जल्दी कीजिए। क्योंकि लेट क्लास शुरू हुई है तो है ना, समय पे हम उतने देर में आपको थोड़ा समझा देंगे। तो अभी समझ में आया सकर्मक माने क्या फार्मूला है उसका, कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। अकर्मक का फार्मूला है कर्ता प्लस क्रिया। सकर्मक का अर्थ है कर्म के साथ, अकर्मक का अर्थ है कर्म के बिना, ओके। फिर ये है परिभाषा, जिस क्रिया के साथ कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिस क्रिया के साथ सकर्मक कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, ओके। क्या मैं ये रख करूं,
दो में। ओके बेटा लिखो जल्दी से। हो गया। हो गया। चलिए समझ में आ गया कि फार्मूला कैसे लिखा मैंने, है ना। अब इसके आगे हम प्रश्न देखेंगे। इसमें तीन दिया आपको, एक को पॉइंट हुआ, इसको परिभाषा को आप तीसरा पॉइंट नाम दे दीजिए, दोनों की परिभाषा को, ठीक है। अब इसके बाद हम जो है पहला और दूसरा मैं मिटा दे रही हूँ इसमें का, तब तक हम उदाहरण लिखेंगे। इसके साथ आप ये भी लिख सकते हो कि आप इसकी पहचान कैसे करेंगे, ठीक है। अभी हम इसका उदाहरण लेंगे कि सकर्मक क्रिया में कौन कौन सा आता है, कौन कौन से क्रिया शब्द आएंगे, ठीक है। इसके लिखो खाना, पढ़ना। मैं ये समझाऊंगी अभी आपको, ये लिखो ये क्रिया इसमें आती है, गाना, पहनना और है पुराना आदि, ठीक है। ये क्रियाएं इसमें आती है कैसे, आपने लिखा मैंने कि मान लो आप किसी एक बच्चे का नाम जब उठा लिया, चलो समझ में आ, ठीक है, ठीक। कि देखो अभिषेक खाना खा रहा है, ओके। अब अभिषेक, मैंने प्रश्न किया अभिषेक से अभिषेक तुम क्या खा रहे हो, यानी क्रिया के साथ आपको प्रश्न करना है जोड़ के। तो अभिषेक ने बोला कि अध्यापिका जी मैं खाना खा रहा हूँ, ओके। तो क्या होगा कि क्या का उत्तर आपको मिलना कि वो क्या खा रहा है, खाना। वैसे देखो नव्या किताब पढ़ रही है, ठीक। नव्या क्या पढ़ रही है, तो हमने उसका उत्तर हमें मिला किताब। वैसे देखो प्रत्यक्ष चश्मा पहन रहा है, तो प्रत्यक्ष चश्मा, प्रत्यक्ष क्या पहन रहा है, चश्मा। तो उत्तर हमें जो मिल गया उड़ा गया, आकृति पतंग उड़ा रही है, ठीक। क्या उड़ा रही है आकृति, पतंग। तो उसमें क्या हुआ, अगर हमने क्रिया के साथ क्या जोड़कर प्रश्न किया और उसका उत्तर हमें मिलता है तो वो कहलाता है सकर्मक क्रिया, करेक्ट। अब इसका एक प्रश्न लिखो, जैसे दे दिया मैंने, है ना, क्रिया का जैसे पहला मैंने दिया है यहाँ पे आपके लिए। तो प्रश्न लिखा हुआ लिखो, देखो नव्या किताब, एक नीचे वाला हो गया आपका, सबका हो गया नीचे का परिभाषा। ये देखिए नव्या, एक ही प्रश्न एक पहले, है ना, नव्या किताब पढ़ रही है ना। पढ़ने की क्रिया हो रही है, ये क्रिया पद है जिससे हमने क्या पहचाना, क्रिया। अब ये क्रिया के साथ में मैंने प्रश्न किया क्या पढ़ रही है, ये आपका प्रश्न है, क्या पढ़ रही है। ये क्रिया के साथ मैंने क्या लगाया, क्या, और उत्तर आपको मिल गया यहाँ पे, क्या उत्तर मिला, किताब।
है ना। तो ये क्रिया क्या हो गई, सकर्मक क्रिया। ठीक है, ये चीज आपको जो है ध्यान में रखना है। ठीक है, आसानी से समझ में आ गया। जब हम क्रिया के साथ वाक्य में जो क्रिया दी गई है उसके साथ क्या जोड़कर प्रश्न करते हैं और उसका उत्तर हमें मिल जाए तो वो कहलाता है सकर्मक क्रिया। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया होगा सबको। अब इसी तरह उधर में देखो, उस साइड में देखेंगे कि उधर हमें क्या प्रश्न करना है। तो ये मैंने इसके दो मिटा लिए, ठीक, अकर्मक क्रिया ने भी, और यहाँ पर मैंने आपको दिया कि इससे क्या कौन सी क्रिया आएगी, मान लो है ना। तो यहाँ पे आ गई कौन सी क्रिया आ रही है, नहाना, चलना, देन बैठना, फिर आएगा इसमें जागना और आएगा मान लो सोना। ये और आम, सोना माने गोल्ड नहीं, आप लोग सोते हो। ठीक है, अब जो है यहां पर हम आपको अब जो है इसकी, अब इसको हम समझाते हैं आपको। ठीक है, तो ये हुआ। अब यहाँ पे मैंने एक प्रश्न दिया, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ मैंने प्रश्न किया कि देखो, ठीक है, चांदनी नहा गंगा, चांदनी बैठी है। ठीक, ये प्रश्न हो गया, एक वाक्य हो गया ये। और इस वाक्य में मैंने ये प्रश्न किया, यहाँ पर ये हो गई उसकी क्रिया। ठीक है, ये क्रिया है। अगर मैंने इस क्रिया के साथ प्रश्न किया चांदनी, ठीक है, कि क्या बैठी है, ये हमने प्रश्न किया, सॉरी, क्या बैठी है, तो क्या इसका उत्तर मिला आपको, उत्तर मिला क्या इस प्रश्न में। मैंने भी इसमें भी मैंने क्रिया के साथ क्या जोड़ा, यहाँ आप आसानी से समझो क्या पढ़ रही है, क्या उत्तर क्या मिला आपको, किताब पढ़ रही है। उधर मैंने प्रश्न किया क्या बैठी है, तो क्या इस प्रश्न में आपको इसका उत्तर मिलेगा, नहीं, तो नहीं मिला। तो जिस वाक्य से हम क्या जोड़कर क्रिया के साथ प्रश्न करते हैं और अगर उसका उत्तर न मिले तो वो कहलाएगा क्या, अकर्मक क्रिया। और जिस वाक्य के क्रिया के साथ हम क्या जोड़कर प्रश्न करते हैं और उसका उत्तर मिलता है वो कहलाएगा सकर्मक क्रिया। तो बेटा आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा, सकर्मक और अकर्मक भी। ठीक, किसी को भी इसमें कोई डाउट भी नहीं रहना चाहिए, सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान हम कैसे करें। ओके बेटा, तो ये आपके लिए, इसको आप हमेशा याद रखिए और इसके कुछ प्रश्न मैं आपको जो है बाद में भेज दूंगी ताकि उसको आप करके उसमें पहचान करना है आपको, और जो है आप जो है उसके फोटो खींच के मुझे भेजेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको एक एक्टिविटी भी भेजूंगी, मैं उस एक्टिविटी को बनाना है आपको कि बहुत सारे क्रिया शब्द लेने हैं, उनके साथ साथ आपको प्रश्न उनके चित्र भी चिपकाने हैं जो वहां जो क्रिया हो रही है। ओके बेटा, ठीक, तो आशा है आपको क्रिया के प्रकार आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।